देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वालों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। सूदखोरी करने वालों की अब खैर नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों को जागरूक करें। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकार वार्ता संपन्न। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह वेरिएंट पुराना कोरोना वेरिएंट से बहुत ही अधिक घातक है। इसके संक्रमण के फैलाव के पूर्व हम सभी को सतर्क एवं सजग होना आवश्यक है। साथ ही विभिन्न जन जागरूकता एवं प्रचार माध्यमों से लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। साथ ही निकटतम थाना क्षेत्र को भी सूचित करें, जिससे समय रहते संबंधित की जाँच, कॉन्टेक्टिंग ट्रेसिंग, आइसोलेशन तथा ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि सभी कोरोना अनुकूल व्यवहार, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग एवं साबुन तथा सैनिटाइजर से हाथ धोना अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य करें तथा दूसरों को भी समझाइश दें। कलेक्टर पत्रकारों से अपील किया कि जन जन तक पत्रकार बंधु यह संदेश पहुँचाए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आवश्यक है। साथ ही आने वाले संभावित नए वेरिएंट से भी वैक्सीनेशन की दोनों खुराक तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि पेट्रोल पंप, सब्जी वाले, हेयर सैलून वाले, किराना दुकान वाले, अन्य व्यवसायी स्वयं कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करें तथा अपने प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था रखें। स्कूलों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की शपथ दिलाई जाए। साथ ही स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था भी रखी जाए। कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि साफ सफाई एवं स्वच्छता जिले में कायम करने के लिए अब स्पॉट फाइन किया जाएगा। साफ सफाई एवं स्वच्छता के लिए सभी पत्रकार बंधु लोगों को जागरूक करें। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर अब पूर्व की भांति कड़ाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर यह प्रयास कोरोना वेरिएंट का प्रसार जिले में न होने पाए, इसके लिए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए कोविड-19 के दोनों डोज लगवाएं। अनावश्यक इधर उधर न घूमें। आवागमन करते समय कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में रखें। पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अपंजीकृत सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति या समूह सूदखोरी का कार्य कर रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ सूदखोरी का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने कहा कि कोरोना के नए वेरियंट से लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पत्रकार अपने प्रचार प्रसार माध्यमों से लोगों को इस वायरस के संबंध में जानकारी प्रदान करें। साथ ही लोगों को कोविड-19 का दोनों टीका तथा कोरोना अनुकूल व्यवहार पालन करने के लिए प्रेरित करें। अपर कलेक्टर ने कहा कि मीडिया, प्रचार माध्यम कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए संजीवनी का कार्य कर सकते हैं। कोरोना वेरिएंट के नए संक्रमण से खुद को एवं समाज को बचाना हम सबका परम दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक सच्चे नागरिक होने का दायित्व निभाएं। आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुनारे, जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी एवं जिले के विभिन्न प्रचार माध्यमों के मीडिया बंधु उपस्थित थे।